नुस्खा नंबर 9, अगर औरतों से दूर रहना है तो खूब सारा प्याज खाओ। ओ भाई तुलसीदास के पढ़ाई हो रही है। औरतों से दूर रहने के 101 नुस्खे। इसमें क्या है? मैं तो तुम्हें एक ही नुस्खा बता देती हूँ। क्या? मारे से शादी कर ले। एक बार जो तारी और मारी शादी होगी ना, तो कोई औरत तेरे आसपास फटकने ना दूंगी। कभी नहीं, मैं आप ही से दूर रहने के लिए ये किताब पढ़ रहा हूँ। अरे फिर तो 101 क्या, 1101 नुस्खे भी पढ़ लेना, फिर भी कुछ ना होगा। देखिए ये लाइन एंगेज्ड है, आपका नंबर यहाँ नहीं लगने वाला। तो मैं भी तभी तक रीड डायल करती रहूंगी जब तक थारी घंटी ना बजे। देख बज गई, अरे घंटी बज गई। एक्सक्यूज मी। हनुमान प्रसाद पांडे। दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी, अंबानी ब्रदर्स। ओ, क्या बात है गुलगुले, इतने महंगे महंगे नाम ले रहा है। देख देख, दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लोगों के नाम आए हैं, लक्ष्मी मित्तल, अंबानी ब्रदर्स। तुझे पता है दुनिया के सबसे गरीब इंडियन कौन है? कौन है? ये गोपी और ये गुलगुले। उदास मत हो गुलगुले, इन सब के बाप अमीर थे इसलिए सब अमीर हैं। हमारी ही तकदीर खराब थी जो हमारे घर गरीब बाप पैदा हुआ। करेक्ट बोल रहे। मेरा बाप छोटा चपरासी था इसके लिए मैं छोटा हवलदार बन गया, छोटा। मेरा बाप बड़ा हवलदार था इसलिए मैं बड़ा हवलदार बन गया। काश लक्ष्मी मित्तल का सारा स्टील मेरे पास आ जाए, मैं उससे भी बड़ा अमीर बन सकता। मतलब तेरा कहने का मतलब है कि अगर लक्ष्मी मित्तल का सारा बिजनेस तुझे मिल गया तो उससे ज्यादा कमाएगा? यस। अरे ये क्या बात हुई, तुझे उससे ज्यादा बिजनेस आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस के साथ साथ मैं हवलदारी भी करूंगा और ऊपर से कमाऊंगा रिश्वत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। यार गोपी, काश कोई एक रईस अमीर करोड़पति बाप आके हमें गोद ले ले, सारी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा मैं। यार बाप नहीं तो माँ ही आ जाए। माँ आ जा। जी, मैं अभी सिपाहियों को जगाता हूँ। कौन है भाई, के मेला लगा रखा है हमारे ठाणे में? ओ सर्कस के आइटम, कौन है यो? ये आइटम नहीं है, ये चिंचोलीगढ़ की राजमाता चमुंडा चिंचोली है, हैं? और मैं उनका ट्रांसलेटर पिंग पोंग। राजमाता मतलब ये रानी है? राजमाता को रानी कहलाना पसंद नहीं है, कृपा करके आप उन्हें महारानी कहिए। हाँ जरूर जरूर महारानी जी। अरे वो कैसी महारानी है, कैसी भाषा में बात कर रही है? किसी दूसरे ग्रह से आई है क्या? बस जब से आई है फुरफुरा ही जा रही है। एक हादसे में राजमाता ने अपनी जबान खो दी। तब से वह ऐसे ही बोलती हैं। हाउ सैड। लेकिन ये बताइए ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे भी मैं हूं ना आप जैसे रईसों की सेवा, मेरा मतलब है आप जैसे पब्लिक की लोगों की सेवा के लिए। राजमाता के साथ एक भयंकर सा हादसा हो गया है। अरे कितने हादसे हुए हैं तेरी राजमाता के साथ? किसने की अश्लील हरकत, बताइए हमें। ये क्या कह रही है जरा बताएंगे? नहीं नहीं, मतलब बताइए ना ये क्या कह रही हैं? नहीं। अरे आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या कह रही हैं? अरे कहा ना नहीं, राजमाता ने नहीं कहा। ओ, नहीं। अरे देख भाई पिंग पोंग, हमारे पास पिंग पोंग खेलने का टाइम ना है, या तो तू अपनी कंप्लेंट लिखा या तो यहाँ से जा भाई। राजमाता का सबसे प्यारा हार चोरी हो गया है जिसकी कीमत सिर्फ 70 लाख थी। 70 लाख? हाय हाय गोपी, अपने आप को संभालो, कोई इस पे पानी डालो। 70 लाख का हार पहनती कहाँ थी? गले में। जब से राजमाता का वो हार खोया है तब राजमाता के गले से ठीक से आवाज नहीं निकलती। पहले वो हुई और फुर के साथ भाई भी बोलती थी, लेकिन अब नहीं 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 बोल पाती। आप रोइए मत, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप चिंता मत करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। ओहो पवन पुत्र, ज्यादा वाद देना कर। और मैडम चलो भाई अपनी FIR लिखाओ, और तू भाई पुंगी वाले, ये थारे माथे पे टी क्यों लिखा है? टी फॉर ट्रांसलेटर। हाँ चले ट्रांजिस्टर, चल चल ट्रांसलेट। राजमाता आइए आइए। देखा देखा, ऐसे होते हैं राज घराने के लोग। हाँ यार,
ऐसी महारानियां तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। हाँ, कैसे हुई हुई करती है, कितनी रिच दिखती है ना। हाँ तो ये बताइए राजमाता की ये हादसा हुआ कैसे? हुई हुई हुई। राजमाता के महल में एक पार्टी हुई। जब पार्टी खत्म हुई तो राजमाता बोली, हुई हुई हुई, मतलब चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई। किसी पे शक है? फुल फुल 50-50। ओ जी आप चिंता मत करो, आप सारी की सारी डिटेल मेरे को दे दो, मैं आपका हार ढूंढवा दूंगा। ये रही फाइल, इसमें महल का नक्शा है, हार का फोटो, हार का बिल, इंश्योरेंस के कागजात। हम चलें। हुजूर एक आपसे एक बात पूछनी थी, गुस्ताखी माफ। आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आपकी इतनी शान और शौकत। बस यही पूछना था कि अगर कोई हार ढूंढ दे तो किसी तरह का मिठाई का कुछ इंतजाम। मिठाई मांग रहा, रिश्वत थोड़ी। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इनाम। हुई 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 फुल। राजमाता कह रही हैं कि जो इनका हार ढूंढ लाएगा उसे राजमाता गोद ले लेंगी, अपना वारिस बना देंगी। भैया ऐसे कैसे गोद ले लेंगी, इनका कोई अपना ना है आगे पीछे? राजमाता की अब तक शादी नहीं हुई। अरे इतनी ब्यूटीफुल औरत है, शादी क्यों ना हुई? और राजमाता को प्रेम हुआ लेकिन वो इंसान ब्रह्मचारी था, दोनों का विवाह ना हो पाया और राजमाता कुंवारी रह गई। ओ जी आप चिंता मत करिए, आप गोद भराई की तैयारियां शुरू करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। अरे सर 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 ये तो गलत बात हो गई, सर गलत बात हो गई, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, सारा काम आप करते हैं, कुछ हम भी। अरे हनुमान प्रसाद पांडे, इस औरत को देख के तो मन ने डर सा लग रहा है, हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। यो भी ब्रह्मचारी से प्यार करती थी, मैं भी ब्रह्मचारी से ही प्यार करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो 30 साल बाद मैं भी वारिस की तलाश में फुरफुराती फिरूं इधर उधर। आप अपना भोगू बंद करिए और काम पे लगिए, मेरे को हार ढूंढना है, मेरे पास टाइम पास के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। ये हार तुम्हारे गले से लगकर हार नहीं बल्कि जीत लगेगी। उफ, लेडी देवानंद यार। हाँ भाई इसे ठीक से पहचान लो, ये हार नहीं है। पर ये तो हार जैसा लग रहा है। अबे बेवकूफ ये हार ही तो है। सर अभी तो आपने कहा ये हार नहीं। अबे मेरा मतलब ये हार नहीं, ये हार से कहीं बढ़कर है, और अगर ये हार नहीं मिला तो तुम लोग नहीं मिलोगे समझे। ये राजमाता का हार है, पूरे 70 लाख का। सर क्या ये वही हार है जिसकी चोरी हुई और जिसकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी राजमाता? हुई 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 करेक्ट, शाबाश कोकी, वेल डन। देखा अब पूरे शहर के चोरों चक्कों को यहाँ पे बुलाओ चाय पर और उनसे पूछो ये हार कहाँ है, इसी हार में तो छिपा है राजमाता का वारिस। सर मैं इस बात से वाकिफ हूँ सर। क्या? सर मैं भी वाकिफ हूँ सर। अबे थूकना बंद करो और काम करो, मुझे ये हार चाहिए समझे। क्या रहा है? मैं राजमाता के यहाँ पूछताछ करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी जाऊंगी। आप क्या करेंगी? अरे तू पूछ लियो, मैं ताच लूंगी। देखिए पहली बात तो आपकी वहां कोई जरूरत नहीं है और दूसरी बात सड़कों पे ना काटे, और वो अगर आप मेरी बाइक के पीछे बैठेंगी तो मुझे शर्म आएगी ना। मगर अगर तू हमारे पीछे बैठेगा तो मन ने भी तो शर्म आएगी। हैं तो फिर क्या? अरे फिर क्या, ऑटो में चल चल। अरे आप क्यों मेरे? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सोच रहा हूँ अगर हार मैंने ढूंढ लिया तो राजमाता का वारिस मैं बनूंगा। क्या हुआ वारिस? तो मैं बन। हुई 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 हुई। राजमाता ऐलान करती हैं कि उनके हार के ढूंढने वाले हवलदार गुलगुले को अपना वारिस घोषित करते हुए गोद ले रही हैं। Are you okay? I'm fine. माते आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है माते, और आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है, मैं आ रहा हूँ माते। ठहरो, ठहरो, ठहरो। मम्मी जी पैरी पन्ना, मैं हूँ आपका असली वारस, हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा। आपका असली हार मेरे पास है। असली हार तो हमारे पास है चिरकट। मैं हूँ आपका असली पुत्र। मम्मी मुझे अपनी गोदी में बिठा लो मम्मी। हुई 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 हुई।
क्या कह रही है भाई? फैसला तलवारों से हो जाए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आइए आइए। आधा मादा दूध पीता है सामने, माँ का मिल्क पिया है तो सामने आ। का बेटा भाई गोपी, हट जा मेरे रास्ते से। हट जाओ, राजमाता का बेटा मैं हूँ। क्या हो रहा है गुगले, क्या हो रहा है? गुस्ताख सिपाही, राजकुमार पे हाथ लगाने की कोशिश की तूने? सॉरी मैडम, गोपी ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ यार? पहले झगड़ा करता है फिर पूछता है क्या हाल बना रखा है। क्यों लड़ाई मचा रखे हैं यहाँ? क्यों ठाणे में नाटक हो रहा है यहाँ? मैडम एक्चुअली राजमाता चमुंडा ने ना मुझे गोद लिया था, ये खामखा उसकी गोद में जा रहा। मैडम उन्होंने मुझे गोद लिया, ये झूठ बोल रहा है। मैडम ये दोनों सपना देख रहे थे, कभी से एक दूसरे के ऊपर सामान उठा उठा कर फेंक रहे थे। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो आपस में, चलो। आई अपोलोजाइज। सॉरी यार, आई एम सॉरी। गुलगुले हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर राजमाता का हार्ट ढूंढते हैं, जिसको मिल गया वही राजमाता का पुत्र। ओके डन डन डन, चल। अरे 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 अरे, ये राजमाता ने तो हमारे ठाणे में फूट डलवा दी। अरे बावड़े हो गए हैं हमारे सिपाही। मैडम राजमाता ने ऐलान किया है, जो ढूंढेगा उनका हार वो होगा उनका वारिस। तभी से ये दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं डंडे और गालियों की बारिश। अब आप ही कुछ कीजिए ना। अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका हाथ ढूंढने के लिए। अबे यार ये क्या कह रही है? पिछले आधे घंटे से इनकी सुई हुई पे अटकी हुई है यार। राजमाता बहुत गुस्से में है, उनका खानदानी हार नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि हार की तलाश छोड़िए, कम से कम इंश्योरेंस पेपर पर साइन करिए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, पैसा तो आ जाए। हुजूर सिग्नेचर तो मैं कर दूंगा इंश्योरेंस के कागजात पर, लेकिन कुछ निगोशिएशन हो सकता है क्या मेरी गोद भराई के बारे में? अरे कौन पुत्र, तू जरा ठांड रख ठांड, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत ना है। और सुनो भाई, तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार मिल जाएगा दो दिन में। अरे कोई इंक्वायरी नहीं, अब मैंने तहकीकात बंद कर दी है, मेरे को हार नहीं मिल रहा यार। हुई 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 हुई। राजमाता कह रही है कि हार मिलेगा भी नहीं। अरे हम यहाँ झक मारने के लिए ना बैठे, तुमसे कहा है ना इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार दो दिन में मिल जाएगा, ये हमारी जबान है। चलो अब हमारा ठाणा खाली करो, चलो चलो चलो। चलिए राजमाता, चलिए सीधा खड़ा ले। सर जी, मम्मी याद दिलाती है तेरी। बोलो भाई, रिपोर्ट बताओ, खबर बताओ। मैडम शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मैडम, हर अड्डे के शरीफ आदमी को मारा, लेकिन फिर भी हार का पता नहीं चला। अरे के बात कर रहे हो भाई, हमारी पुलिस तो नंबर वन है, एक हार ना ढूंढ सके? ना 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 मिस्टर डाला, आप वैसे काफी मासूम है, दिखती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका की पुलिस नंबर वन है, वहाँ पे तो दो हफ्ते में चोर पकड़ा जाता है। नहीं 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 सर, सर बेस्ट पुलिस लंदन की है सर, तीन दिन में चोर को यूं पकड़ लेते हैं यूं। ना ना ना, पाकिस्तान की नंबर वन है, वहाँ दो दिन में चोर को पकड़ लेते हैं। और चाइना में तो 24 घंटे के बाद ही चोर का पता लग जाता है। अरे देशद्रोहियों, हमारे यहाँ तो 24 घंटे से पहले ही पता होता है कि चोर कौन है और चोरी कहाँ करने वाला है। You are right, madam, you are right. मैडम उससे याद आया, कल जो चोरियाँ होने वाली है ना उसकी लिस्ट आ गई है, देखिए। क्या? मेरा मतलब है वो मेरे घर पे जो चोरी हुई थी ना, वो सामान की लिस्ट में आपको दिखाने के लिए लाया था बस मैडम, यही। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन उस हार चोर को कब पकड़ेंगे हम? हमारी नाक का सवाल है यार। पर हमारी गोद का सवाल है। तो ठीक है यार, कल मैं अपने आप जाके राजमाता के सामने घुटने टेक के कह दूंगा, माते हमें तुम्हारा हार नहीं मिला। अरे रोंदड़ू, उसकी नौबत ही ना आएगी। अरे गुलगुले, थारी इनएफिशिएंसी की तो हद ही होगी भाई। क्या हो गया मैडम? हाय। अब मेरा मतलब है क्या हो गया मैडम? अरे थारे दिमाग में मारा इतना माइंड ब्लास्टिंग सा आइडिया आया और तूने ट्रांसफर ही ना किया। ये कब हुआ मैडम, मुझे पता ही नहीं चला। चल कान दे। दूं। निकल नहीं रहा मैडम, कैसे दूं? निकल ना रहा, चल कोई बात नहीं फिर, तो काट के दे दे भाई। मैडम मैं झुक जाता हूँ ना, बेटर होगा ये। राजमाता पूछ रही हैं कितना और इंतजार करना पड़ेगा इंश्योरेंस के वेरिफिकेशन के लिए। अरे भाई तू तो घना उतावला हो रखा है, अरे थोड़ा सबर कर, हमारी खोज जारी है। हुई हुई। वो हार नहीं मिलने वाला,
अरे जब सब तेरी राजमाता को ही पता है तो हमारे पास क्यों आया है? इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं आप तो हैं? जो हार इतने दिनों से नहीं मिला वो आज कैसे मिल जाएगा अचानक? हाँ मैडम, अब हमें भी ना चोरी की खोट से रिजाइन कर देना चाहिए और इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए। चल भाई मेरी बेटी, तू कह रही है तो मैं साइन कर देती हूँ। बोल कहाँ करना है? हाँ बेटा, मगर ये हाथ कहाँ छोड़ा है? बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। आप लोग चौंकिए नहीं, आपके इस हार को चुराने वाली एक लड़की थी, उसने इस हार के बदले मुझसे मेरा हाथ मांगा और मैंने कहा ले ले, उसने ले लिया। बस मेरे बेटे, तूने तो पुलिस स्टेशन में। मैडम वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे। देखिए मैं आपका हार ले आया, अब आप मुझे गोद ले लीजिए प्लीज। देखिए मुझे गोद ले लीजिए, मैं आपका हार ले आया हूं। देखिए गोद ले लीजिए, गोद। ये हार नहीं है। ओहो मैडम, यो ही थारा हार है। जो यो हार ना है तो किधर है तुम्हारा हार? ये रहा हार। एक से एक ड्रामेबाज है इस थाने में। ये रहा मैडम राजमाता, मैं आपका 70 लाख का हार ले आया हूँ। 6 डाकुओं से अकेला लड़ा मैं, डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। राजमाता मैं हूँ आपका वारिस, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। राजमाता कह रही है कि ये भी वो हार नहीं है। अरे के उई लगा रखी है? अरे मैडम बाप साइज का पला पड़ाया, इतना सुंदर नौजवान बेटा मिल गया है, और के चाहिए हमारी जान लोगी? राजमाता दोबारा कह रही है कि ये वो हार नहीं है। अरे ये रहा असली हार। यही वो हार। यही वो हार है। मतलब हाँ यही वो हार है। अरे हुई बोल रही हूँ, और हुई का मतलब है कि ये वो हार नहीं है। अरे कितनी बार का ये पगड़ी नहीं पहनी मुझे, तुम्हें नहीं बजानी आता कि तुम्हारा कोई? राजमाता चिंचोली मुंह से बोली। अरे क्यों नहीं बोलेगी, इसी के घर से तो ये हार चुरा के लाए और जहाँ पे इसने छिपा रखा था इसे। राजमाता खोलो अपने झूठों का खाता। देखिए एक्चुअली हमारा कोई हार गुम नहीं हुआ है। ओहो, वो हमें इंश्योरेंस के पैसों की ज़रूरत थी। ओहो, इसलिए हमने ये हार गुम होने का नाटक किया था। हाँ और मैडम मैं तो इनका टेलर हूँ, टी फॉर टेलर। अरे तू टी फॉर टेलर ना है, तू टी फॉर ट्रेटर है। और सुनो भाई, तुम बारिशों है जाके अपने मम्मी डैडी को अंदर बंद कर दो और इनके गले में डाल दो टायर का निकाल। चलो 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 बारिश में मेरे को बारिश बनाते हैं। चलो आ जाओ बालन। हुई हुई बोला, हुई 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 बोला था टक्कर। और तूने तो किले ही फतेह कर दिए भाई, तने कैसे पता था कि यो हार उसने अपने ही घर में छुपा रखा है? वो तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जब वो यहाँ पे हुई हुई करती हुई आई थी कि वो एक नंबर की चोर है। बस मौके का इंतजार कर रहा था चौका लगाने के लिए। हाय मेरे धोनी, तूने तो धो ही डाला। वैसे मन ने कभी कभी लगता है कि तू भी एक चोर ही है। तुम्हें कैसे पता? अरे जैसे सफाई से तू चोरों का पता लगाता है ना, वैसी सफाई से हमारा चैन भी तो चुराता है।